पंचायती राज के अदारे हिंदुस्तान में मुकामी सतह पर फैसला किन किरदार अदा करते हैं। हिंदुस्तान में पंचायतों की समाजी, सियासी और मुआशी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पंचायतें इजलासों का एहतमाम करती हैं। गौर से देखा जाए तो पंचायतों को मीटिंग से बहुत से फायदे हासिल होते हैं, जैसे बड़े पैमाने पर मुआसलात, हिदायत, काम पर बहस, जायजा, मालूमात का तबादला, फैसला साजी, नए ख्यालात हासिल करना, तनाज़ात को हल करना वगैरह। पंचायत की मीटिंग को मुयस्सर और फैसला हो, इसके लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे मीटिंग की मालूमात लोगों को डुगडुगी, ढोल, ड्रम, लाउड स्पीकर के जरिए पहले से ही देनी चाहिए। ग्राम पंचायत अपने दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका करके या दूसरे जरिए से आम लोगों को मीटिंग के बारे में आगाह कर सकती है। याद रखें कि मीटिंग का नोटिस देने का काम कम से कम 5 दिन पहले शुरू होना चाहिए। इसकी मालूमात गांव के नुमाइया मुकामात पर चिपकाना चाहिए। मीटिंग को सभी लोग संजीदगी से लें। इसके लिए जरूरी है कि पंचायत का सरबराह ही सदारत करे। अगर सरपंच गांव से बाहर गया हो या किसी वजह से पंचायत में नहीं आया हो तो उप सरपंच की सदारत में ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। कई बार ये भी होता है कि एक खास वक्त पर सदर और नायाब सदर दोनों गैर हाजिर होते हैं। ऐसी सूरत हाल में दोनों की गैर मौजूदगी में अजलास की सदारत कौन करेगा, इसका फैसला पहले से होना चाहिए। एक मुयस्सर मीटिंग के लिए जरूरी है कि उसमें लोगों की बड़ी तादाद जोश व खरोश से शिरकत करें। इसलिए कम से कम 1/3 मेंबरान को मीटिंग में शिरकत करनी चाहिए। मीटिंग को नतीजा खेज बनाने के लिए जरूरी है कि ऑपरेटर आम आदाब पर अमल करें, जैसे मीटिंग के आगाज में तमाम मेंबरान को खुशामदीद करें। इजलास का एजेंडा जो भी हो इसे तमाम मेंबरान के सामने रखें। अपनी तकरीर करते वक्त तमाम मौजूदा लोगों की तरफ देख कर ही बात करें। हर एक को मीटिंग में बोलने का मौका दें। मीटिंग के दौरान अपने ख्यालात को सादा और वाज़े अल्फाज में सही तरीके से रखें। मीटिंग के लिए मुकम्मल खाका तैयार करें। उठाए गए मसाइल पर लोगों को मुतमाइन करने के लिए इकदामात करें। मीटिंग के दौरान किसी को दखल ना दें। मीटिंग में क्या हो रहा है इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। मीटिंग के मौजू से मुतालिक जरूरी कागजात, फाइलें, दस्तावेजात का रखा जाना भी जरूरी है। सदर की तरफ से हुक्म दिया जाए तो मीटिंग का नोटिफिकेशन, गैर हाजिरी, माजरत और पिछली मीटिंग के काम की रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। मीटिंग के दौरान कुछ चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए, जैसे पसमांदा और पसमांदा तबके को मीटिंग में बोलने और शिरकत करने की तरगीब करना, इंसानी मेहनत के वसाइल जमा करना और फंड्स का बंदोबस्त करना, पंचायत में जो भी रकम है उसका अच्छा इस्तेमाल करना और हर खाते का हिसाब रखना, समाजी बुराइयों जैसे जहेज का निजाम, बचपन की शादी, जनीन का कत्ल, शराब और मुंशियात बराइयों के खिलाफ शऊर देना, समाजी इसलाह की तरफ कदम बढ़ाना, अपने इलाके के पानी, जंगल, जमीन तहफ्फुज और फरोग करने के लिए मंसूबे बनाना और गांव वालों की मदद से इन कुदरती वसाइल की हिफाजत की कोशिश करना, गांव की तरक्की के लिए मीटिंग मुनाकद करना, आए मिलकर काम करें, अपनी पंचायत का नाम करें, एक दूसरे से मिलकर रहना और हर मसले को हल करना। जय हिंद, जय भारत।